छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बागबाहरा ब्लॉक मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर घुंचा बाली की पहाड़ी में स्थित माता का यह मंदिर, यहाँ माँ चंडी की प्रतिमा स्वयं प्रकट होने की वजह से काफी मशहूर है। यहाँ पर चंडी देवी की महाप्रतिमा विराजमान है। बता दें कि यहाँ माँ चंडी को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर श्रद्धा भाव से माता के दरबार में पहुँचते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आज जो है प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस के दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का 9 रूपों में से एक रूप माँ शैलपुत्री का होता है और इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद जिले के बागबाहरा। बागबाहरा के दक्षिण दिशा में यह मंदिर घुंचापाली जो 4 किलोमीटर लगभग 4 किलोमीटर के अंतर में जो है यहाँ स्थापित है। इस मंदिर का दर्शन कराएंगे आपको और माँ चंडी का जो है दर्शन करेंगे। आपको ले चलते हैं मंदिर के भीतर जो है। यहाँ पर माँ चंडी जो है इनका स्वरूप जो है काफी अद्भुत माना जाता है। यहाँ पर जो है माँ चंडी का जो है वो स्वयंभू प्रकट हुई माता है। इनकी ऊंचाई लगभग 23 फीट मानी जाती है और यहाँ पर जो काफी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अपनी मनोकामना को लेकर के जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ के पुजारी से जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो है इस वर्ष कोरोना काल का जो है कोरोना नियमों का पालन शिथिल करने के बाद जो किस प्रकार श्रद्धालुओं को जो है दर्शन कर पाएंगे और यहाँ पर जो है मंदिर के पुजारी हैं उनसे जानेंगे। पुजारी जी बताएंगे कि यहाँ पर जो है इस वर्ष कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो धीमी होने के बाद जो है श्रद्धालु जो है माता का दर्शन किस प्रकार कर पाएंगे। पिछले समय से माता जी के दर्शन की कोविड-19 के कारण कम जनसंख्या में हुई थी। इस समय कोविड-19 के कारण पूरी समस्या हट गई है। इसी की वजह से इस समय लोगों की जनसंख्या कुछ ज्यादा ही आने लगी है। माता के दर्शन के लिए किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं ये बताएंगे। यहाँ पर जो है किस प्रकार मंदिर समिति के द्वारा जो है व्यवस्था की गई है और कितना जो है यहाँ पर मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होती है इस वर्ष ये बताएंगे। मंदिर समिति द्वारा मंदिर प्रवेश करने के समय पहले से ही कोविड-19 के कारण से मंदिर प्रवेश करने समय मास्क की व्यवस्था की गई है और मनोकामना जो पिछले वर्ष 6,255 जले थे, इस समय कुछ ज्यादा ही 8,56 ऐसे कुछ जला हुआ है जी। तो पुजारी जी थे, पुजारी जी से जाने हम लोग और यहाँ पर जो है कुछ दर्शक मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि बताएंगे कितने वर्ष से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आपकी जो मनोकामना है किस प्रकार पूरी होती है या पूरी होती है या नहीं। सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे, जो मांगो सब मिल जाता है। मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ रायपुर से माँ चंडी के दर्शन करने के लिए। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। माता का स्वरूप जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार है। इनका स्वरूप जो है काफी अद्भुत है। पूरे विश्व में इनका जो पहचान और इनका जो स्वरूप है सभी प्रसिद्ध माताओं से अलग है। ये दीप जो है मनोकामना दीप जो है वो प्रज्वलित है उनके, उनको भी वहां पर भी ले चलते हैं आपको, वहां दिखाएंगे किस प्रकार कितने मनोकामना ज्योति प्रज्वलित यहाँ पर हुई है, वहां ले चलते हैं आपको। अब देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में कितने संख्या में जो है दर्शक आ रहे हैं। दर्शकों का आने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और दर्शक यहाँ पर दर्शन के लिए अपने मनोकामना को जो है पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद जो है माता का दर्शन करने के बाद वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। आपको ले चलते हैं दीप प्रज्वलित जहाँ पर हुआ है वहां पर ले चलते हैं। यहाँ पर कितने दीप प्रज्वलित हुए हैं वो वहाँ के बैगा से जानेंगे। यहाँ पर जो है मनोकामना जीत दीप जो है प्रज्वलित हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार पूरी तैयारी जो है मनोकामना दीप का जो है मनोकामना ज्योति कलश का जो है स्थापना हो चुकी है, पूरी तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पर लगभग 6,255 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होने के लिए तैयार है यहाँ पर जो है और अखंड ज्योति जो है वो 22 अखंड ज्योति जलाए गए हैं। यहाँ पर पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे कितने दीप प्रज्वलित हैं, वही बताएंगे कितने लोग यहाँ पर जो किस प्रकार जो है यहाँ पर दीप प्रज्वलित हुई है और कितना दीप जो है यहाँ पर प्रज्वलित होने जा रहा है ये बताएंगे। अभी यहाँ 6,251 है, 55 ज्योति अभी जमा है नमन है उसमें जल ही उतका वह मन अभी यहाँ काम कर वो 15-20 आदमी गर्मी के मौसम में वखन जो 22 था जला थे। तो पुजारी जी का कहना है यहाँ पर जो है दीप प्रज्वलित जो है 6,255 दीप जो है प्रज्वलित होने जा रहा है और अखंड ज्योति के रूप में जो है 22 अखंड ज्योति यहाँ पर जलाया जा रहा है।
साधन इसके लिए तारजन पटेल, महासमुंद छत्तीसगढ़।